अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ आपको दोस्त हकीम फराज और मैं हाजिर हूँ अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, बचपन की गलतियों की वजह से जिन लोगों को नामर्दी आ गई है, लिंग बिल्कुल सिकुड़ चुका है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता और स्तंभन तो बिल्कुल है ही नहीं, वीर शक्ति वीर दोष दिन पर दिन होता जा रहा है और चिपचिपा पानी भी उनको आने लगा है। मानो कि लिंग पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, ना जोश रहा ना ताकत रहा, और उनकी बीवी भी उनकी वजह से इस चीज़ की वजह से नाराज़ रहती है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, सही से मियाँ बीवी में आपस में नहीं बन पाती। आज उसी चर्चे पे हम लोग बात करेंगे, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो लिंग मानो नीचे से सिकुड़ चुका है या सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, कुछ देर के लिए तनाव आया भी तो वो नीचे डाउन हो गया, ठीक है। उसी के लिए सारी दवाइयाँ तैयार हो रही हैं। बहुत ही आसान और सस्ता नुस्खा बताने वाला हूँ और आप लोगों को समझाने वाला हूँ। यानी कि जिस व्यक्ति को बिल्कुल जोश नहीं आता, स्तंभन होता ही नहीं है, लिंग में अगर एक बार के लिए तनाव आ भी गया और वो ढीला पड़ गया किसी भी कारण, या वो उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, हस्तमैथुन के कारण उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, शादी से घबरा रहा है, बीवी से सही से सेक्स नहीं कर पा रहा है, सही से हम बिस्तर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला बनकर तैयार किया है, या फिर उन लोगों ने गलत संगत में पढ़कर अपने आप को बर्बाद किया है और लिंग को पूरी तरह ख़राब कर लिया है, जो कि साइज़ में तो बहुत ही ख़त्म है, लिंग लंबा मोटा भी नहीं है और दवाइयां खा खा कर परेशान हो चुके हैं। तो उनके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल चीज़ें मैं लेकर आया हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि वो दवाइयां कैसे तैयार करनी है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने लिंग को पहले गर्म पानी से रोज़ाना धोना है, ठीक है, इतना गर्म ना हो कि जिससे आपकी स्किन जल जाए, ठीक है। ये तो मैंने कुछ दवाइयाँ तैयार की हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो कि आदमी पूरी तरह नामर्द हो चुका हो, जिसके बारे में पूरी डिटेल में भी मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो तो वो इन दवाइयों को ज़रूर इस्तेमाल करे, ठीक है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नॉर्मली दिक्कत आ गई है तो क्या करे कि सफ़ेद मूसली लगभग 100 ग्राम ले और हीरा भस्म 1 ग्राम, सोना भस्म 1 ग्राम, ठीक है, शतावर 5 ग्राम, ये लेकर सारी चीज़ों को आपस में खरल कर ले और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर ले, तो सुबह शाम खाएगा। और ज़कावत हिस के लिए कोई भी एक माजून खाए, मुगलिस या मुहर्रिक। तो दोस्तों ये है आपके लिंग के लिए क्रीम जो मैंने बना के तैयार किया था, बहुत ही पावरफुल है और लिंग की लंबाई मोटाई बहुत गारंटी के साथ बढ़ाता है, बशर्त है कि आदमी इसको पूरे परहेज़ के साथ लगाए। और इसको बनाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको कैसे बनाया जा सकता है। और ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, ये एक आदमी का पूरा कोरस है। एक आदमी जो इस तरह की नामर्दी उसको आ गई है, लिंग खड़ा नहीं हो पाता और कोई दवा काम ही नहीं करती है, लिंग वो बिल्कुल सिकुड़ चुका है बचपन की नामर्दी के कारण या बुरी संगत में रह लिया और किसी की वजह से वो गलत हरकत लग गई, कोई दवा काम ही नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए सारी चीज़ें 6 से 8 चीज़ें दवाइयाँ तैयार होती हैं। जो जितना ज़्यादा ख़राब आदमी होता है उसको उतनी ज़्यादा दवा देनी पड़ती है। ये एक ऐसा आदमी है जिसके लिए मैंने काफ़ी पहले दवा बनाई थी और यही ये सारी चीज़ें हैं। तो जिसका लिंग खड़ा ना हो पाता उसके लिए क्रीम रखी हुई है और भस्म रखा हुआ है, ये गोलियां हैं और ये मैंने सफ़ूफ चूर्ण बनाकर तैयार किया था। टाइमिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, जिसको एक खाली पेट लेना होता है और एक आपको खाने के बाद लेना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आदमी की लिंग को लंबाई मोटाई बढ़ाता है। कोई दवा इसके बाद आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आदमी जिसका लिंग वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है, वीर्य गाढ़ा नहीं है, ठीक है, जिसका वीर्य गाढ़ा नहीं होगा उसका तो वैसे भी टाइमिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों ये दवाइयाँ तैयार की जा रही हैं जो लिंग की लंबाई मोटाई के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। और उसके बाद पहले ही मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि क्रीम वगैरह भी हम लोग बनाते हैं, शेर की चर्बी रीछ की चर्बी वगैरह डालकर सारी चीज़ों को खरल यहाँ चालू है, आप लोग देख सकते हैं। ये टाइमिंग की गोलियाँ बनेंगी आगे जाकर, अभी ये पहले प्रोसेसिंग में है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये चर्बी वगैरह है सारी चीज़ों की, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चर्बी इसमें डाल रहे हैं और उसके बाद जाकर ये दवा तैयार हो गई। तो इससे लिंग की लंबाई मोटाई इस कदर तेज़ी से बढ़ेगा
कि आदमी सोच नहीं सकता है, यानी हैरत में पड़ जाएगा। और ये चर्बियाँ जल्दी से मिल भी नहीं पाती, चाहे सांडी की चर्बी हो, चाहे शेर की चर्बी हो, चाहे रीछ की चर्बी हो, ठीक है, ये बहुत जल्दी नहीं मिल पाती, इनको ढूंढने में बहुत वक्त लग जाता है और बहुत ज़्यादा महंगी भी आती हैं, ठीक है। तो घरेलू नुस्खा मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, अब घरेलू नुस्खा मैंने आप लोगों को बता दिया, वो इस्तेमाल करें, और मुहर्रिक कोई दवा इस्तेमाल करें, मुगलिस इस्तेमाल करें। जिस आदमी को पूरा कोर्स चाहिए होगा, अगर इस वीडियो पे 20,000 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं पूरा कोर्स मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, घरेलू नुस्खा आदमी कैसे ठीक हो सकता है घरेलू नुस्खों से, अगर इस पर 20,000 व्यूज़ आ जाते हैं तो।